सर आयुष बोल रहा था कि वो अपनी दादी के पास गया हुआ है, उनका डेथ हो गया ना ओह दैट्स सैड। सर मेरी दादी का डेथ हुआ है, आयुष की नहीं। अरे आयुष क्या बोल रहा था सर? हाँ सिचुएशन इज वेरी बैड यू नो, साला वायरस के कारण जो है जिसका भी शरीर थोड़ा भी कमज़ोर है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। ऐसे भी अपना थोड़ा मेडिकल सिस्टम भी बहुत ख़राब है तो उसमें भी बहुत दिक्कत हो रही है। इट्स ए अनफॉर्चुनेट टाइम, क्या करना। चलिए लेकिन पढ़ाई तो चलते रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम लेट हो या नहीं हो या जो भी हो। ओके इधर इस बार जिस तरीके से मार्किंग जो है प्री बोर्ड के बेसिस पे दिया गया, लेकिन एग्ज़ाम तो लिखना है, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। और अपने पास सफिशिएंट टाइम है, वी कैन डू इट वेरी वेल। ओके स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स जो है ना, पर्टिकुलरली ये जेनेटिक्स ये सब कुछ चैप्टर्स थोड़े से टफ हैं। ओके इनमें क्यों बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि समझना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग कुछ चैप्टर्स है, उसके बाद जो है आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो है यू विल फील ए बिट यू नो नॉट सो डिफिकल्ट ऑल्सो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि टर्म्स बहुत सारे रहते हैं, आपको पता है बायोलॉजी में टर्म्स बहुत हैं, तो टर्म्स अपने को देखते रहना है। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वन में हम लोग शायद कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे पिछली बार ना, एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस वगैरह शायद डिस्कस कर रहे थे या कुछ ऐसा, करेक्ट? हाँ सर। ओके तो चैप्टर वन ऑल ऑफ यू आर ओके, आपको कैसा लग रहा है कि एक हम लोग एक टेस्ट वगैरह कर लें, इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं बोर्ड में उसके कुछ क्वेश्चंस कर लें? ओके वी शैल वी डू दैट इन से नेक्स्ट क्लास और समथिंग लाइक दैट, ताकि एक आपको भी एक कंप्लीटनेस लगेगा, आपको भी लगेगा कि ये जो चैप्टर है इसमें जो है एक कंप्लीटनेस आपको लगेगा, जब प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करोगे उसके बाद आपको भी कुछ डाउट्स है, आपको भी समझ में आएगा कि कैसे मोटा मोटी इसका स्कोप कैसा क्वेश्चन का है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आयुष। ओके तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर टू जेनेटिक्स हम लोग चालू कर देते हैं, और आप इस वीक में चाहते हैं या अगले वीक में चाहते हैं कि इस पे एक छोटा सा टेस्ट किया जाए चैप्टर वन पे? पर इसी वीक कर लेते हैं ना, इसी वीक कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अपना फोकस ये रहेगा क्वेश्चंस जो प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस है उन्हीं को हम लोग ज़्यादातर करेंगे, कुछ दो तीन क्वेश्चंस मैं अपने से ऐड करूँगा, तो उस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं ताकि चैप्टर वन को एक तरीके से हम लोग क्लोज कर सकें, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर नंबर थ्री करते हैं जेनेटिक्स। ओके वी विल बी फॉलोइंग योर टेक्स्ट बुक। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि अर्लियर क्लासेस में बहुत सारे बेसिक चीज हैं उनको इंट्रोड्यूस करने में, तो आई वॉज नॉट फॉलोइंग एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक लाइन, जो टेक्स्ट बुक का लाइन है वो हम नहीं जा रहे थे। अभी से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टेक्स्ट बुक के लाइन के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर में, पर्टिकुलरली जेनेटिक्स में, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी थोड़ा सा हेवी है, ठीक है, और इसको हम लोग फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन, ताकि आपको जहां पर भी डाउट्स है आपको भी क्लियर होते रहेगा। चलिए सो पेज नंबर 22 जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। Okay, so I'll just put the screen sharing.
ओके चैप्टर 3 जेनेटिक्स। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ डिसीजेस, ये दो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं इस चैप्टर में। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, देयर इज अ साइंटिस्ट नेम्ड मेंडल। थोड़ा सा हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि मेंडल एक जो है प्रीस्ट था और ये सब चीज़ जो है हिस्ट्री के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो उन्होंने अपने वो जो पी प्लांट है, मटर का जो पौधा है, उस पर जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉस जो है उनको प्रपोज किया था। तो देर आर नोन एज द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वी विल सी व्हाट दोज आर। एंड द अदर इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ डिसीजेस। ओके, इसका क्या मतलब होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ डिसीज, यानी डिसीज, कुछ डिसीज ऐसे हैं जो कि एक जेनरेशन से अगले जेनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। ओके, कोई बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, ये जेनेटिक डिसीज है जो कि एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जाएगा। इसको हम लोग इसीलिए सेक्स लिंक्ड बोलते हैं क्योंकि जो ये डिसीज का जो अगले जेनरेशन में जाने का जो प्रोसेस है वो क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कि जो डीएनए मदर की तरफ से आ रहा है, जो डीएनए फादर की तरफ से आ रहा है, उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा, डीएनए का जो रिकॉम्बिनेशन होगा, मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है, तो वो जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, वो लिंक्ड है उसके ऊपर। तो बैक्टीरिया में ओके, या कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स और भी हैं जिनमें कि देर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, तो वेदर दे विल हैव सेक्स लिंक्ड डिसीजेस, दे आर नॉट गोइंग टू हैव, ओके, दे विल नॉट। ओनली वेयर द डीएनए इज कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, ओके, जैसे कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस भी हैं, जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है। अब वो डिसीज जनरली बोलते हैं ना कि भाई पेरेंट्स वगैरह में है तो हो सकता है कि चिल्ड्रन में भी आए। तो ये जो है हीमोफीलिया यानी ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, इस टाइप के कुछ डिसीजेस हैं। ओके, ये सब जो है जेनेटिक डिसीजेस हैं। ओके, सो वी विल सी मोर इन डिटेल इन द कमिंग वन। ओके, इस चैप्टर में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज जो हम लोग देखेंगे वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, व्हाट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज फीनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप। फीनोटाइप एंड जीनोटाइप, गेस कर सकते हो आप फीनोटाइप। अच्छा, जीनोटाइप तो आप कोशिश कर सकते हो, जीनोटाइप जीन्स से रिलेटेड। हाँ, जीन्स से रिलेटेड। तो टाइप यानी किस टाइप क्या है भैया ये चीज, टाइप जीनोटाइप यानी डीएनए के बेसिस पे जो आप उसके वैरायटी के बारे में बोल रहे हैं या उसके कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं वो हो गया जीनोटाइप। और फीनोटाइप का मतलब होता है फीनोटाइप यानी ऊपर से दिखने वाला जो उसका कैरेक्टर है। ओके, जैसे कि आंख का रंग किसी का भूरा है, किसी का एकदम काला है, किसी का नीला है, अलग अलग रंग है आंख का, तो वो एक फीनोटाइप है। ओके, स्किन का कलर है, हेयर का कलर है, और कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप यू नो समवन इज टॉल, समवन इज शॉर्ट, दिस आर ऑल कॉल्ड व्हाट, फीनोटाइप्स। ओके, फीनोटाइप्स जो एक्सप्रेस हुआ, डीएनए जो एक्सप्रेस हुआ, जो हमें दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फीनोटाइप।
और जो इंफॉर्मेशन डीएनए में है उसे हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप, ओके, जेनेटिक में है। चलिए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ओके, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, डिफरेंट क्रॉसेस आर देयर। क्रॉस, क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस क्रॉस का मतलब हो गया कि एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है और दोनों के बीच में क्रॉस किया गया। यानी फॉर एग्जाम्पल मेल पेरेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है हरा रंग का मटर का दाना बनता है, ठीक है, ग्रीन पी, और फीमेल पेरेंट जो हम लोगों ने लिया उसमें येलो रंग का मटर का दाना बनता है, ठीक। अगर इन दोनों को हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं का मतलब है दोनों का जो इसका जो पोलन है वो लेके आप उसको इसके जो स्टिग्मा है उसके ऊपर आप डस्ट कर देंगे, उसके फ्लावर के ऊपर डस्ट करेंगे, ओके। सो क्या कर रहे हैं आप? क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हो। क्रॉस पॉलिनेशन, अगर सेम पौधा में पॉलिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है, जो पौधा है उसी के फूल में उसी का जो पोलन है वही गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर अलग अलग वैरायटी का पौधा है, सेम स्पीसीज, ये नहीं हो सकता है कि आम और अमरूद के बीच में आप जो है क्रॉस कर दोगे, वो नहीं होगा। वो जब अलग स्पीशीज होता है तो कंपैटिबल नहीं होगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जबकि ये भी पोलन है और ये इसमें भी एग सेल है वही चीज, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है, ओके। सेम स्पीशीज होना चाहिए, स्पीशीज सेम बट वैरायटी में भी डिफरेंट, ओके। तो क्या हो रहा है, ऐसे हम लोग प्लांट्स में उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और जैसे कि गाय भैंस बकरी अलग अलग जो है एनिमल हस्बेंड्री लोग करते हैं, मतलब रखते हैं जानवरों को पालते हैं, तो उसमें क्या करता है, उसमें भी जो है हम लोग अच्छे अच्छे ब्रीड बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन दे सके या बहुत अच्छा क्वालिटी का मीट दे सके, जो भी है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम लोग अच्छे अच्छे वैरायटीज को क्रॉस करते हैं, क्रॉस, ओके, यानी उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो ये हो गया क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब हुआ? वैरायटी डिफरेंट रहता है। वैरायटी डिफरेंट रहेगा, लेकिन आप एक ही डिफरेंस के बेसिस पे आप क्रॉस कर रहे हो। जैसे कि यहां पे ये दोनों पौधे एकदम बराबर रहेंगे देखने में, अच्छा, और उनमें केवल फर्क क्या रहेगा कि इसमें हरे मटर के दाने निकलेंगे और इसमें येलो मटर के दाने निकलेंगे, बस। ये केवल एक कैरेक्टर के बेसिस पे आपने क्रॉस किया, उसको आप बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर आपने ऐसा पौधा सेलेक्ट किया जो कि ग्रीन कलर का मटर दे और लंबा भी रहे, टॉल, ओके, टॉल, एंड द अदर वन इज येलो एंड इट इज शॉर्ट, यानी आपने क्या किया, दो कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, है ना। तो जब आप दो कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करके क्रॉस करते हैं तब उसे आप बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, ओके। आसान है, समझ गए आप इसका मतलब? मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पे, फीनोटाइप के बेसिस पे आप क्रॉस करेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस दो अलग फीनोटाइप्स के बेसिस पे आप क्रॉस करेंगे। एनी डाउट यू हैव इन दिस वन?
सर मतलब कि डायहाइब्रिड बस लेंथ का रहेगा, मतलब नहीं उसमें डायहाइब्रिड क्रॉसिंग एक से नहीं, ज्यादा कैरेक्टर जिसमें इन्वॉल्व हो जाएगा सर उसको डायहाइब्रिड क्रॉसिंग। हाँ हाँ इसमें जो है हम लोग एक से ज्यादा कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल आपको पौधे का बताया, लेकिन आप इसे एनिमल में भी कर सकते हो। आप जो भी क्रॉस कीजिए, पौधे में कीजिए, एनिमल में कीजिए, यहाँ आपके जो टेक्स्ट बुक में है यहाँ पे मेंडल के जेनेटिक्स के बारे में बताया गया है। जेनेटिक्स जो फील्ड है ना, इसमें दो फील्ड है, एक है क्लासिकल और एक है मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स एंड क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स इज व्हाट वी आर स्टडिंग नाउ, आपके जो चैप्टर में है क्लासिकल जेनेटिक्स है। क्यों क्लासिकल है? क्योंकि ये मेंडल के काम के ऊपर डिपेंड किया गया है, मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस आज भी सच हैं, आज भी मान्य हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स 1822 में किया, हम लोग 2021 में हैं अनफॉर्चुनेटली 19 ऑलमोस्ट 200 साल होने चले 200 साल किए 200 साल पहले किए गए ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनमें इनके पास ना माइक्रोस्कोप था ना कुछ था उस समय। ओके, इन्होंने बस बेसिक जो है मटर का पौधा लिया और उसको क्रॉस करते गए और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट किया, स्टैटिस्टिक्स यूज किया, मैथमेटिक्स यूज किया और उसके बेसिस पे उन्होंने ये लॉस को फ्रेम किया। ओके, इस चीज को हम लोग समझेंगे क्या है ये। तो ये जो चीज है ये क्लासिकल जेनेटिक्स है। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है, मॉडर्न जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को मैन्युपुलेट करते हैं। ओके, सो वी आर यूजिंग व्हाट यू से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, किसी को डायबिटीज है, शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है ठीक ठाक, तो हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन बाहर लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में उसको बनाते हैं और वो चीज जो है इंसान जो है, जो पेशेंट है वो एज ए इंजेक्शन उसको ले सकता है। ये इंसुलिन जो हमने बनाया लैब में, वो कैसे बनाया हमने? वहां पे तो हमने किसी इंसान को या किसी पिग को या किसी एनिमल को मार के उसके शरीर से तो इंसुलिन हमने नहीं निकाला। तो ये जो प्रोसेस है, ये तरीका हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का देखेंगे। ओके, आपके इसमें हल्का फुल्का जो है इसके विषय में रहेगा तो हम लोग देखेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, डीएनए को डायरेक्टली हम लोग बैक्टीरिया वगैरह में यूज करके इंसुलिन और बहुत सारे दूसरे मेडिसिन भी बनाते हैं। ये हो गया मॉडर्न जेनेटिक्स का फील्ड, ठीक है। और जो क्लासिकल जेनेटिक्स का फील्ड है वो है मेंडल्स का, मेंडल्स लॉस ऑफ जेनेटिक्स। चलिए हम लोग अभी हिस्ट्री नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, वी लीव द हिस्ट्री पार्ट। मेंडल वॉस ए ऑस्ट्रियन मॉन्क एंड ही स्टडीड, ये सब कहानी हम लोग इसके पहले के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, करेक्ट। ओके, लेट अस गेट इनटू द इंपॉर्टेंट टर्म्स। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी, हेरिडिटी का क्या मतलब हुआ? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, हेरिडिटी हम लोग बोलते हैं ना कि पुश्तैनी
यानी एक पुश्त से दूसरे पुश्त में जा रही है। हेरिडिटी में भी वही चीज है, हेरिडिटरी यानी पुश्तैनी, यानी एक ट्रांसमिशन जो है ये जेनेटिक है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये जाएगा। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंस दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। ओके 3.2 पेज नंबर 23 वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। वेरिएशंस ओके व्हाट इज द वेरिएशन, ये वेरिएशंस एक पॉपुलेशन में क्यों आता है? अब देखिए बहुत सुंदर एग्जांपल है, अभी जो ये वायरस आया है ये भी एक बहुत सुंदर एग्जांपल है। सेम वायरस एक पॉपुलेशन में कई लोगों को इन्फेक्शन करता है, कुछ लोगों पे इसका प्रभाव ज्यादा है, कुछ लोगों पे इस पर प्रभाव कम है। क्यों ऐसा? सब तो इंसान है, वायरस वही है, तब क्यों अलग अलग आदमी का अलग अलग लेवल का रिस्पॉन्स है? सर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है इसका वो। इम्यूनिटी ठीक, तो इम्यूनिटी क्यों अलग है सबका? क्या ये खान पान के ऊपर केवल डिपेंड करता है, या कोई ऐसी चीज है जो ऑलरेडी हमारे डीएनए में है जो कि हमारे इम्यूनिटी को मतलब वो डिटरमाइन करता है कि हम लोग का इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है? नो सर, वो डीएनए में नहीं। देखिए इम्यूनिटी जो है ना एक ऐसा चीज है जो कि जन्म से हर इंसान में, हर जंतु में उसके डीएनए में है। क्यों? एंटीबॉडी जो बनता है वो एंटीबॉडी के सभी जीन्स आपके डीएनए में है, और उसका जो जीन है बड़ा ब्यूटीफुल रहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग उसका स्ट्रक्चर है। कितना वो मतलब आप देखिए दुनिया में कितने हजारों मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियाज एंड वायरसेस एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन हमारा शरीर सबको झेलता है, सबको झेलता है और जानता है कि ये मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, ये बाहरी है। ये डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इसका ज्ञान जो है हमारे डीएनए में ऑलरेडी है। बाहर से क्या होता है, जो हम लोग का खान पान है, एनर्जी स्टेटस है, वो भी इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ओके तो इम्यूनिटी जो है वो आपके अपने डीएनए के कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका जो ग्रोथ होता है, सबसे पहला जो बच्चा का जन्म होता है उधर से ही उसके माँ के पास से उसको डायरेक्टली एंटीबॉडीज मिलता है, वो भी एक सच है। ओके तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हर आदमी का जो जेनेटिक है वो अलग है सब इंसान लेकिन सबका जेनेटिक में फर्क है। वो जो फर्क है वही है वेरिएशन, और एक पॉपुलेशन में इस वेरिएशन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर सब एक जैसा 100% डिट्टो क्या बोलते हैं उसको, क्लोन रोबोट सब एक जैसा एकदम पक्का सब जीरोक्स कॉपी रहेगा, तब दिस कोई भी ह्यूमन रेस हो या कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, वो ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। अब आप देखिए कभी कभी हम लोग एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स जब हम लोग लेते हैं तो किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ समझिए, ओके आपने लिया एंटीबायोटिक लिया, वो एंटीबायोटिक क्या हर बैक्टीरिया जो आपके शरीर में उसको खत्म कर देगा? जैसे कोई टाइफाइड का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और आपने टाइफाइड के लिए वो एंटीबायोटिक आपके डॉक्टर ने दिया, आपने लिया, तो क्या 100% सभी टाइफाइड का बैक्टीरिया मर जाएगा? नहीं सर, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरा? जब आपने लिया एंटीबायोटिक
और वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मारने का है, तो क्यों सब बैक्टीरिया नहीं मरा? क्योंकि सर वो एंटीबॉडी बना दिया सर अंदर में, जो फिर मतलब हार्म नहीं करने दिया बॉडी को। एंटीबायोटिक एक केमिकल है, केमिकल फर्क नहीं करेगा कि ये बहुत अच्छा बैक्टीरिया है, अच्छा हम इसको छोड़ देते हैं, ये बैक्टीरिया बहुत खराब है इसको मार देते हैं, ऐसा वो नहीं करेगा। वो एक केमिकल मॉलिक्यूल है, वो फर्क नहीं करेगा। वो अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया है तो उसको मारेगा, लेकिन वो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया में भी वेरिएशन है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यही इस जो है इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट जो इसमें बताने का कोशिश किया गया है, वेरिएशंस इन पॉपुलेशन, कि दुनिया में आप कोई भी स्पीशीज ले लीजिए, कोई भी पौधा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल, वो एक स्पीशीज हो सकता है, लेकिन उस स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस होंगे, उसका डीएनए, हर इंडिविजुअल के डीएनए में कुछ ना कुछ फर्क होगा। ओके और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मियोसिस, हमने देखा था पिछले इसमें, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस में एग्जैक्ट कॉपी बनेगा और मियोसिस में क्या होगा, वेरिएशन आएगा, नया नया कॉम्बिनेशन बनेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका सक्सेस जो है दुनिया में जो भी स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका सक्सेस बहुत अच्छा है। वो मिलियंस ऑफ इयर्स से इस अर्थ के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्यों? वेरिएशन। यस, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज मियोसिस, मियोसिस मियोसिस मियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस मियोसिस विल गिव व्हाट यू से, रिकॉम्बिनेशन। किसका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है? डीएनए का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी डीएनए मिक्स होगा, पूरा मिक्स होगा, रिकॉम्बिनेशन। और ये जो मिक्स होता है डीएनए का, जो रिकॉम्बिनेशन होता है, उसके कारण बनता है वेरिएशन, और यही वेरिएशन है जिसके कारण कोई एक लौता वायरस, कोई एक लौता बैक्टीरिया, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो एक पूरे पॉपुलेशन को खत्म कर दे, है ना? डेडली से डेडली वायरस आया है दुनिया में, डेडली से डेडली बैक्टीरिया आया है, लेकिन किसी की क्षमता नहीं हो पाई कि पूरी तरीके से पॉपुलेशन को खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि वेरिएशंस रहते हैं डीएनए के लेवल पे, हर इंसान दूसरे इंसान से किसी ना किसी तरीके से अलग रहता है। इसके कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा डीएनए का म्यूटेशन होगा जरूर, जो कि उस चीज से ज्यादा बेटर लड़ पाएगा, बच जाएगा। ठीक है, सो वेरिएशन इन पॉपुलेशन, इसमें आप देख रहे हैं इटैलिक्स में लिखा हुआ है, दीज स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशंस। ओके, इट इज ट्रू फॉर एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स एंड ऑल इंडिविजुअल्स। ओके, कैरेक्टर एंड ट्रेट्स, कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हम लोग जो बचपन में हम लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता था स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, पता नहीं आजकल देते हैं कि नहीं देते हैं। ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग अच्छा कैरेक्टर बुरा कैरेक्टर का बात नहीं कर रहे हैं, ये हो गया बायोलॉजी के अंदर जो ये जो कैरेक्टर है, इसका मतलब हो गया कि फीनोटाइप। ओके, फीनोटाइप, क्या आपको कैरेक्टर दिख रहा है? ओके, वो कैरेक्टर है फीनोटाइप। ओके,
फॉर एग्जाम्पल हाइट, हाइट में या तो आप बोलोगे टॉल या तो आप बोलोगे शॉर्ट. यू कैन ऑल्सो टेल एवरेज हाइट वॉट एवर, बट दो एक्सट्रीम्स जो लिया जाता है टॉल शॉर्ट. ठीक है, तो हम लोग हाइट एक कैरेक्टर समझेंगे कि हाइट एक कैरेक्टर है और ये जो दो चीज हैं टॉल और शॉर्ट ये इसके दो पहलू हैं. जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होंगे, एक तरफ माथा एक तरफ सिर, या क्या बोलते हैं पैर माथा समथिंग, सो उसी तरीके से हाइट एक कैरेक्टर है और इसके दो पहलू हैं, दो क्या हैं ट्रेट्स हैं. वन ट्रेट इज ए टॉल ट्रेट एंड अदर इज ए शॉर्ट ट्रेट. जेनेटिक्स में टर्म्स बहुत आते हैं, टर्म्स बहुत है जेनेटिक्स में, लेकिन इन्हें आप समझिए, बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा मजा आएगा, बहुत अच्छा है. ओके, और इसमें इसमें लॉजिक भी है और लाइफ कैसे चलता है इसके फंडामेंटल्स इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, तो हाइट फॉर एग्जांपल क्या है, एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के आप दो ट्रेट्स ले सकते हैं, टॉल एक ट्रेट है, शॉर्ट भी एक ट्रेट है. द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स. ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक है, अगर एक बच्चा लेफ्ट हैंडेड है दूसरा बच्चा राइट हैंडेड है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रेट्स हैं, लेफ्ट हैंडेड इज ए ट्रेट एंड राइट हैंडेड इज अनदर ट्रेट? यस सर. ओके, वी कैन टेल इट इज ए ट्रेट. दीज आर द टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर, दैट इज यूसेज ऑफ द हैंड. यूसेज ऑफ द हैंड एक कैरेक्टर है, इसका ये दो टाइप का फॉर्म्स है. ठीक, तो ये ट्रेट्स हो गया. ब्लड ग्रुप में आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव करके भी रहता है, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप बी है लेकिन आप देखो बी पॉजिटिव लिखा रहेगा या बी नेगेटिव लिखा रहेगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा रहता है ना. दिस आर द आल्सो द ट्रेट्स. यस, दिस इज आल्सो ट्रेट्स. सो ब्लड ग्रुप बी एज इट इज, ब्लड ग्रुप बी वेदर इट इज ए ट्रेट? नो सर, वो कैरेक्टर. सर वो भी ट्रेट हो सकता है ब्लड का. हाँ देखिए वही बात है, देखिए ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, इस तरीके से चार ब्लड ग्रुप तो हम लोग जान रहे हैं, और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कॉमन है ये है, ये चार ब्लड ग्रुप कॉमन है. तो ब्लड ग्रुप अगर एक कैरेक्टर लिया गया तो ये जो चार चीजें हैं क्या ये ब्लड ग्रुप्स को हम लोग ट्रेट्स बोल सकते हैं? आर दीज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द ट्रेट? यस सर. क्या कि ब्लड ग्रुप, देखिए हमने क्या बताया, ट्रेट क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर. ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या, क्या केवल दो ही चीज होना चाहिए कि दो से ज्यादा हो सकता है? सर कैन बी मोर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है ना तो उसको देख के लगता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म हाँ दो होगा सर. नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, एक ही कैरेक्टर के कई ट्रेट्स हो सकते हैं. ओके, जैसे कि आंख का रंग है भूरा काला नीला, अलग अलग रंग हो सकता है, तो हर वो चीज एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर. ओके गुड, टेबल दिया गया है जिसमें कि कुछ कैरेक्टर और उसके ट्रेट्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार उसको देख लेंगे तो सफिशियंट है.
ओके सो फार आई थिंक यू हैव फॉलोड. इसमें क्वेश्चंस हैं प्रोग्रेस चेक. वन में थर्ड वाला है द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन शोज वेरिएशंस ट्रू और फॉल्स. ट्रू सर. पक्का? हाँ सर. किसी को डाउट है इसमें? हर्षित आपको क्या लगता है कि हाँ कंप्लीट ह्यूमन पॉपुलेशन एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन में वेरिएशन है या ऐसा भी हो सकता है कि पॉपुलेशन में कुछ वेरिएशन नहीं भी हो सकता है? क्या कहना है आपका? समय आपका क्या कहना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में जो है वेरिएशन एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन शोस वेरिएशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू है. Why entire? I mean, 100%, 100% human population is showing variation. Entire का मतलब वही हुआ ना? सर क्योंकि सब एक दूसरे से अलग है, तो सब एक दूसरे से अलग क्यों है? सर जीन्स. हाँ जीन्स तो है सब में है, लेकिन अलग क्यों है? Variation. क्यों है variation? सर DNA के वजह से. DNA में क्यों variation आया? मेन कहानी वहां है भैया, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो बर्थ है वो कहां से शुरू हो रहा है? डीएनए के रिकॉम्बिनेशन से शुरू हो रहा है, मियोसिस से शुरू हो रहा है. जहां मियोसिस हो गया वहां तो वेरिएशन आना ही है ना. इसीलिए हर आदमी दूसरे आदमी से अलग है, सब में वेरिएशन है. एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन हैज वेरिएशन. तो मतलब मियोसिस है तो वेरिएशन होगा ही, 100% होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं. और सर सब में अलग अलग मियोसिस होता है. मतलब ये तो अलग अलग मियोसिस मतलब कुछ नहीं समझ. मियोसिस यानी मियोसिस, अलग मियोसिस कुछ नहीं होता है. मियोसिस यानी दो पेरेंट्स हैं, उनका डीएनए आपस में रिकॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ये टर्म उसमें आया था हमारे मियोसिस में. चलिए अब हम लोग देख रहे हैं 3.3 पेज नंबर 24. सर ये एक बार होमोलोगस वाला शॉर्ट में बता दीजिएगा. होमोलोगस, हेट्रोलोगस, ओके. होमो मींस सिमिलर, लोगस 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 लॉजिक फंक्शन, ओके. होमोलोगस यानी फंक्शनली दे आर सिमिलर. ओके, तो व्हेन यू से होमोलोगस क्रोमोसोम्स, हर इंसान में आधा सेट क्रोमोसोम फादर से, आधा सेट क्रोमोसोम मदर से है. तो अगर मैं क्रोमोसोम वन बनाऊंगा एक आदमी का, तो मैं कितना एक क्रोमोसोम बनाऊंगा कि दो क्रोमोसोम बनाऊंगा? क्रोमोसोम टू. हर एक आदमी के पास कितने सेट होंगे? 23. वॉट पेयर? हाँ पेयर, पेयर ना, 23 पेयर. यानी पेयर यानी जोड़ा होना चाहिए. तो एक जोड़ा जो है वो एक जो है मदर से और एक फादर से. तो ये जैसे कि हमने बना दिया नॉर्मल बस एक, हाँ एग्जैक्टली ये दोनों देखोगे आप क्रोमोसोम वन जो कि फादर से आया और मदर से आया, देखने में एक जैसा लगेगा, एकदम वही लेंथ रहेगा. और जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है वो भी एग्जैक्टली वही रहेगा. ओके, मदर से आया फादर से आया दोनों का, लेकिन है क्रोमोसोम वन. ये दोनों जो क्रोमोसोम है जो कि अलग अलग पेरेंट से आया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम से है. ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स. और जो आपका जो सेल साइकिल हुआ, सेल साइकिल में क्या हुआ,
डीएनए डबल हुआ, डीएनए डबल होने के कारण क्रोमोसोम आपका ड्यूरिंग द माइटोसिस कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था ना? हाँ सर। तो इसमें ये जो पैर है, ये पैर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सर, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। हाँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। इधर एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे जो है एक ही क्रोमोसोम का जब डबल हो गया, ये दोनों आइडेंटिकल रहेगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि जस्ट डीएनए डबल हुआ ना, डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुआ, ये क्रोमोसोम फादर से आया, ये क्रोमोसोम मदर से आया, क्या इन दोनों का डीएनए सेम है कि नहीं है, ये बताइए। प्रिंस, दोनों का डीएनए सेम है कि नहीं, डीएनए ऑफ द सेम क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड डीएनए ऑफ द सेम क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, वेदर इट विल बी हैविंग एग्जैक्टली सेम डीएनए और नॉट? सर 99% सेम रहता है, 1% डिफरेंस रहता है। डिफरेंस है, आइडेंटिकल हम लोग नहीं बोल सकते हैं, डिफरेंस रहेगा, ओके? इसीलिए सब कुछ एकदम बराबर एक जैसा, लेकिन कुछ फर्क है, इसीलिए फंक्शनली सिमिलर है लेकिन फर्क है, इसे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ये जो पैर है, एक मदर से एक फादर से है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसका जो एक एक क्रोमोसोम का जो ऐसे डीएनए डबल होके बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं? सर, लेकिन सर अगर डिफाइन करने आ गया कि होमोलोगस, डिफाइन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो सर क्या लिखेंगे, द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ फादर एंड मदर? नो, यू विल नॉट राइट इन दैट वे। इफ इट इज अबाउट डेफिनेशन, ओके, वन मोर, मेरा बैटरी। Okay, so if it is about definition, homologous chromosome. पर हम बोले, बोलो। A pair of corresponding chromosomes of the same shape and size, one obtained from each parent. Very good. अच्छा, एकदम सही। Okay, yeah, अब क्योंकि definition क्या है ना, definition हम लोग को टेक्स्ट बुक के टाइप के इसमें ही लिखना चाहिए। Okay. समझने में हमने समझ लिया इस चीज को अभी, ओके ओके, कैन यू रिपीट वंस अगेन? हाँ, प्लीज रिपीट। हाँ, अ पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज, वन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच पेरेंट। ए पेयर ऑफ करस्पोंडिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप एंड साइज, ऑफ द सेम shape and size, one obtained from each parent. Yes sir. Okay. Very good. ठीक है, so a pair of corresponding chromosomes, ये दोनों एक set जो कि father से, एक set mother से आया, of the same shape and size. ओके, इसका शेप साइज सेम है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम है, एंड वन ऑब्टेंड फ्रॉम ईच पेरेंट। ओके, क्यों हम लोग जो इतना लंबे शब्दों में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया आपको, क्रिस्प एक सेंटेंस में इस चीज को डेफिनेशन के फॉर्म में दिया गया, बहुत अच्छा। ओके, सो इसको आप यूज कर सकते हो। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज, दैट वन इज ऑब्टेंड फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक। 3.3 क्रोमोसोम्स द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। ओके, द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी,
इसमें आप फिगर 3.2 देखिए. ओके, फिगर 3.2 में 1, 2, 3, 4 करके 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तक एक टाइप में है. उसके बाद फीमेल और मेल XXXY करके दिखाया गया. ओके, सो टोटली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बने. द ह्यूमन क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन पेयर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड शेप कैरियोटाइप. ओके, कैरियोटाइप. क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्टली विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिविजन. ईच क्रोमोसोम इज स्प्लिट इनटू टू क्रोमैटिड्स जॉइंड बाई ए स्मॉलर सर्कुलर डॉट लाइक सेंट्रोमियर. ओके, आसान है, कोई इसमें आपको बहुत ये नहीं है. कैरियोटाइप, यहां इंपॉर्टेंट जो टर्म आया वो है कैरियोटाइप. कैरियोटाइप. सो व्हाट इज अ कैरियोटाइप? ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं डायग्राम जो बनाया गया जिसमें क्रोमोसोम्स को अरेंज किया गया है. ओके, सो इसमें जैसे आप देख रहे हैं क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम नंबर 18. तो क्रोमोसोम 1 इज बिगर लार्जर देन क्रोमोसोम नंबर 18, करेक्ट? जैसे जैसे पेयर बढ़ता है वो छोटा होते जाता है. हाँ, जैसे जैसे आप क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा रहे हैं, लाइक फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, साइज छोटा होते जा रहा है. मतलब कैरियोटाइप है क्या? कैरियोटाइप इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट. तो आपने क्या किया कि सेल का स्टेन किया, डीएनए को स्टेन करते हैं हम लोग. क्या करते हैं? पहले डीएनए को स्टेन करते हैं. स्टेन करने के बाद सर, स्टेन मतलब स्टेन यानी उसमें कुछ रंग दे देते हैं, क्योंकि ऐसे तो बिना रंग का ना उतना वो साफ दिखाई देगा नहीं. जैसे कि ऑनियन है, ऑनियन वाला हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो मेटाफेज वाला दिखाई देता है, उसमें भी हम लोग कलर देते हैं. ओके, कलर दिखा देते हैं. तो एक इस तरीके का हो गया. दूसरा, जब ह्यूमंस का हम लोग देखते हैं तो उस समय हम लोग थोड़े अलग टाइप के उसमें जो है डाई देते हैं, एक अलग टाइप का कलर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डीएनए छोड़ के और कोई चीज में आपको नहीं दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर, केवल डीएनए दिखाई देगा. ओके, क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देगा. तो वो फोटो हम लोग ले लेते हैं माइक्रोस्कोप में. हमने क्या किया, उसका फोटो ले लिया. फोटो लेने के बाद कंप्यूटर पे आप क्या करते हो कि साइज के अनुसार उस सब क्रोमोसोम्स को अरेंज कर देते हैं. ठीक, तो इस टाइप का जो हम लोग अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द कैरियोटाइप. ओके, द ह्यूमन क्रोमोसोम्स. हाँ, यस सर. इसका सर साइज सर डिक्रीज होते क्यों चला जाता है? इसका साइज डिक्रीज होते हुए नहीं जा रहा है, ये हम अपने सहूलियत के लिए इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1, भगवान ने तो नहीं बताया कि भाई ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये तो हमने अपने स्टडी के लिए, अपने समझ के लिए उसको क्रोमोसोम नंबर 1 दिया, क्योंकि ये सबसे लंबा बड़ा क्रोमोसोम है. ठीक है, तो कैरियोटाइप एक तरीका है, एक तरीका है चीजों को समझने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक सर, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है ना? हाँ, कैरियो, कैरियो, कैरियन. ओके, समथिंग टू डू विद द न्यूक्लियस, समथिंग टू डू विद द न्यूक्लियस. सो क्रोमोसोम कैरियोटाइप का द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स इन पेयर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड शेप. ओके, ये आपका जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 3.3 क्रोमोसोम्स द कैरियर ऑफ हेरिडिटी, इसमें दिया गया है, देखिए लास्ट सेंटेंस है उसमें, दीज फोटोग्राफ्स आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियली अरेंजिंग द क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप ऑन ए चार्ट. ओके, सो व्हाट इज कैरियोटाइप? ओके, लेट मी राइट. द अरेंजमेंट of chromosomes in pairs in order of their
साइज एंड शेप इज द कैरियोटाइप. ओके, ओके. ये वाला क्लियर है कैरियोटाइप? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट इज अ क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर, व्हाट इज क्रोमोसोम नंबर? The number of chromosomes in any living organism, in any cell. So in humans we have the typical cell is having the 46 chromosomes. Okay, so the chromosome number for humans is 46. Some examples are given in your textbook. Ascaris, okay, that is like ringworm, that what you say, that pet mein jo keeda hota hai. Okay, ascaris, the worms are there. Onion 16, maize 20, lion 38, tiger 38, mouse 40. Okay, humans 46, gorilla is having more than us, that is 48. Potato 48. Okay, potato is also having more than humans. Monkey 54, dog 78, chicken 78, crayfish 200. नहीं, कोई जरूरत नहीं, डेफिनेटली. सर जो पोल्ट्री फार्म में जो चिकन सर बनता है उसका भी 78 होता होगा. हाँ, एक्चुअली द पोल्ट्री फार्म व्हाट एवर दैट ब्रॉयलर चिकन इज देयर दैट इज ए मैन मेड स्पीसीज, इट इज नॉट ए नेचुरल स्पीसीज, इट इज ए मैन मेड स्पीसीज. तो इसमें भी जेनेटिक्स में थोड़ा छेड़छाड़ किया गया था. आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल नेचुरल स्ट्रेन नहीं है. व्हाट इज अ ब्रॉयलर इज ए आर्टिफिशियल स्ट्रेन, इट इज मेड आर्टिफिशियली. ओके, सो उसका हो सकता है थोड़ा डिफरेंट रहे, बट आई एम नॉट श्योर. ओके, उसको चेक करना पड़ेगा. तो एक चीज आप इसमें देख रहे हो कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, अब बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम्स हैं यहां तो नहीं लिखा हुआ है. बैक्टीरिया में कितना क्रोमोसोम? बैक्टीरिया में क्रोमोसोम है या नहीं है? एक होता है क्या सर? देयर इज वन क्रोमोसोम, ओनली वन क्रोमोसोम. इसीलिए हम लोग बैक्टीरिया का जब बनाते हैं ना स्ट्रक्चर, जनरली इस तरीके से बनाते हैं और डीएनए ऐसे दिखाते हैं, डीएनए ऐसे दिखा देते हैं. तो एक सर्कुलर क्रोमोसोम, वन सर्कुलर क्रोमोसोम इज देयर, ओके, इन द बैक्टीरिया जनरली. बट एज देयर इज मोर कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, हम लोग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं, तो डीएनए का भी क्वांटिटी का जरूरत ज्यादा पड़ता है. ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना है ना, ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना है तो ज्यादा डीएनए चाहिए, ज्यादा क्रोमोसोम्स की नंबर की जरूरत पड़ेगी. ये सब लोग साइंटिस्ट यही चीज मान रहे थे बहुत सालों तक, लेकिन फिर पता चला कि पौधों में पर्टिकुलरली क्या हो रहा था कि मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज देयर. बहुत सारे कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर बहुत ज्यादा, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्रोमोसोम बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, तो ये उसमें क्या हो रहा है कि डुप्लीकेशन इज देयर,
या ना, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा है. अभी ह्यूमंस में कितने सेट्स हैं अपने पास सर? 23 सेट्स हैं और हर क्रोमोसोम पेयर में है, या हम लोग क्या बोलेंगे, 2n. यानी हर क्रोमोसोम का एक पेयर है, 2n. यहां पे बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, केवल एक क्रोमोसोम है, एक ही सेट है. कुछ पौधों में क्या होता है कि हेक्साप्लॉइड, ओके आई एम नॉट एबल टू 100% रिकलेक्ट, बट आई थिंक इन वीट इट इज हेक्साप्लॉइड. ओके हेक्साप्लॉइड 6-6 सेट है, एक एक क्रोमोसोम का 6-6 सेट. ओके सो क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या बता रहा है, कितना सेट है ये बता रहा है क्या? वो क्या बता रहा है कि टोटल कितना क्रोमोसोम है, बस ये बता रहा है. ठीक है, तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है, तो 46 क्रोमोसोम्स इज द क्रोमोसोम नंबर. ओके टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर होता है. सर जीनोम सर क्या था? जीनोम ओम ओ एम ई जीनोम फीनोम बहुत सारे टर्म्स हैं, प्रोटियोम. ओके इस टाइप के कई टर्म्स आते हैं. ओम ओम जब भी हम लोग बोलते हैं ओम लास्ट में ओम, ओमिक्स जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स. ओके इस टाइप में जब ऐड करते हैं इसका मतलब हो गया कि इस जो भी इसके पहले है, जैसे जीन, ये हो गया जीन. जीन यानी डीएनए एक तरीके से. सो डीएनए का जो टोटल कंटेंट है ओके उसके बारे में, जीनोम हो गया उसके बारे में, टोटल डीएनए कंटेंट, जीनोम, जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज हैविंग सो एंड सो. ओके राइट. क्रोमोसोम्स इन होमोलोगस पेयर्स, ये तो आप समझ गए होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है. तो येलो कलर बॉक्स में दिया गया है, ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज, वन ऑब्टेंड फ्रॉम ईच पेरेंट. ओके द डेफिनेशन, ओके समय हैज टोल्ड, ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज, वन ऑब्टेंड फ्रॉम ईच, दैट इज कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम. वी कैन यूज दिस डेफिनेशन. ओके नेक्स्ट, टू मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. ओके इट इज ऑलमोस्ट टाइम, शुड वी डू दिस वन, टू मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. नो सर, ठीक है, डोंट, नो नो, यू ऑलरेडी हैव सो मेनी क्लासेस थ्रू आउट द डे, ओके दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में वी कैन डू क्वेश्चंस फॉर चैप्टर वन. ओके सो व्हेन यू वांट टू हैव नेक्स्ट क्लास सर? कल टुमारो यू वांट टू हैव सर? इसी टाइम पे या? यस सर, सेम टाइम. Same time tomorrow you want to have? Okay, yes. Okay. So what you do is you prepare this chapter. Okay. That is the. So chapter one को perform करने दे रहा है sir. एक दिन का revision का time मिल जाएगा. कल sir ये कि आगे बता दीजिएगा. अच्छा तो tomorrow we'll continue with this chapter that is genetics. एंड एक दो दिन ले लीजिए आप लोग, थोड़ा सा तैयारी कीजिए, तब हम लोग इसमें टेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? Yes, sir. हाँ तो वी कैन डू दैट थिंग. ओके सो सम ऑफ यू हु हैव नॉट पेड द फीस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज. ओके वॉट एवर यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दैट, okay you can discuss on that. Okay and okay I will see you all tomorrow. Thank you, sir. Okay, thank you.
थैंक यू सर. थैंक यू.